सो है गाइस, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो पे। इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं फौजी मूवी के बारे में। फौजी मूवी को लेकर के हैदराबाद के मेरे एक फ्रेंड हैं जो कि हमेशा डार्लिंग प्रवास को लेकर के कुछ ना कुछ अपडेट मुझे देते रहते हैं। उनके साथ मेरा अभी डिस्कशन हो रहा था और जो चीजें मुझे बताए ना मेरे भाई, मेरा दिल खुश हो गया। वो कहते हैं कि फौजी मूवी की कहानी जो इसकी प्लॉट जो है बहुत ही ज्यादा कमाल का है। मतलब हनु राघव पुरी जो है फिल्म की कहानी एकदम मजेदार तरीके से लिखे है और बहुत ही ज्यादा इमोशनल कहानी आई है, जो कि देशभक्ति और प्रेम कहानी इन दोनों की कॉम्बिनेशन होगा, जो कि हमें पता है। ठीक है ना, जो कि हमें पता है, शुरू से पता है कि इस फिल्म में वही होने वाला है। आजाद हिंद फौज को लेकर के आ रहे हैं, फिल्म की जो जेनर है लव स्टोरी को लेकर के है, कुछ इस तरह का है। लेकिन बहुत ही ज्यादा मजेदार, बहुत ही ज्यादा इमोशनल और आपको रुला देगा एक पल के आकर के, और बहुत ही सुंदर सी कहानी है ये। इसकी प्लॉट जो है बहुत ही कमाल की है और वो कहते हैं कि इतनी अच्छी कहानी है, इतना अच्छा प्लॉट है कि अगर सही ढंग से अनुराग बपुरी इसको प्रेजेंट कर पाए, अपनी जो न्यू वर्ल्ड जो दिखाने जा रहे हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर को लेकर के, मतलब उस टाइम का ना प्लॉट होगा ना, आजाद हिंद फौज जिस टाइम पे थे, मतलब उस टाइम का प्लॉट होगा 1940 से लेकर के, मतलब जो भी एफएक्स वर्क जहाँ पे जो होगा इस फिल्म का, जो न्यू दुनिया ये दिखाने वाले हैं, वो दुनिया को अगर अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाए, अगर फिल्म एकदम से अच्छा बन गया सीतारामन मूवी की तरह, लोगों के दिलों को छू गया, तो 1500 करोड़ तक का कलेक्शन मैं खुद की तरफ से कह रहा हूँ, वो ये कह रहे थे। डार्लिंग प्रभास को लेकर के भी बहुत ही मजेदार बातें करी। वो कहते हैं कि डार्लिंग प्रभास को इस फिल्म में एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, अपने किरदार के लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। वो जैसे एक्चुअली में रियल लाइफ में अपने हैं, बिल्कुल वैसा ही अगर आ जाएं तो इस फिल्म का किरदार उनके लिए बेस्ट हो जाएगा। और इसी वजह से अनुराग बपुरी डार्लिंग प्रभास को इस किरदार में लिए हैं। जी हाँ गाइस, आप सही सुन रहे हो, मेरे कहने का मतलब ये है कि डार्लिंग प्रभास अपनी रियल लाइफ में, देखो अपनी फिल्मों में तो वो मास अवतार में आते हैं, लार्जर देन लाइफ किरदार में आते हैं, कभी देवा बनते हैं, कभी भैरवा बनते हैं, कभी बाहुबली बनते हैं, है ना। लेकिन वो अपनी रियल लाइफ में बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट है, बहुत ही ज्यादा हम्बल इंसान है और बहुत ही ज्यादा शर्मिले हैं, बातें नहीं करते हैं। इतना बड़ा सुपरस्टार है लेकिन किसी के साथ बात नहीं करता, मतलब शर्माता है। ओके, कितना हम्बल है, कितने शर्मिले हैं आप लोगों को पता है, है ना। मतलब नेकी कर दरिया में डाल, इस तरह की एक आप मुहावरे सुने होंगे, एक कहावत है सुने होंगे आप, जो कि आप बस अच्छाई करते जाओ और उसको लेकर के दिखावा ना करो। डार्लिंग प्रभास का वही रहता है कि कितना सारा कुछ कर देते हैं, मतलब किसी को खबर ही नहीं रहता, जो कुछ खबर आता है जो हमें न्यूज में देखते हैं बस उतना ही है, और 5 साल 10 साल पहले कुछ अच्छा काम करे होंगे वो न्यूज हमें अभी सुनने को मिलता है। मतलब वो कुछ अच्छा कर लेते हैं, उसका दिखावा नहीं करते कि मैं इतना बड़ा सुपरस्टार हूं, मेरा स्टेडियम इतना है, मैं ये हूं तो मैं दिखावा करूं आगे जाऊं, ऐसा नहीं है। वो लोगों के साथ जुड़ करके रहते हैं, लोगों को सामने ले आते हैं, वो पीछे रह जाते हैं, कुछ इस तरह का उनका जो कैरेक्टर, रियल लाइफ कैरेक्टर जो है ना, एक्चुअल में जो 100% हम्बल इंसान का, बिल्कुल वैसा वाला किरदार जो है फौजी मूवी का लीड एक्टर का है, लीड कैरेक्टर का है, मतलब डार्लिंग प्रभास का है। तो वो कह रहे थे कि कोई एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, वो रियल लाइफ में जो करते हैं ना बिल्कुल वो कर देंगे तो ये किरदार हो जाएगा। और इसी वजह से अनुराग बपुरी फौजी मूवी में डार्लिंग प्रभास को खास तौर पे लिए हैं, क्योंकि वो किरदार ही कुछ ऐसा है जो अपनी जन्मभूमि को बहुत प्यार करता है, अपने देश को बहुत प्यार करता है, दीवाना है उसका, और उसके साथ साथ अपनी प्रेमिका के लिए भी पागल है, कुछ इस तरह का कैरेक्टर वो होने वाला है। तो गाइस, मेरा तो दिल खुश हो गया यार, सच बताऊं तो ये सुन करके। यार फिर मेरे दिमाग में चला सीतारामन मूवी, है ना, सीतारामन मूवी को किस तरह से एग्जीक्यूट करे हैं, किस तरह से डायरेक्शन दिए हैं हनुराग बपुरी, वो सारी चीज़ों को मैंने फिर याद किया। फिर फिल्म का BGM सॉन्ग वगैरह सीतारामन का मैंने याद किया, और डार्लिंग प्रभास की जो हम्बल नेचर है, जो कि हम रियल में जो इंटरव्यू वगैरह में जो देखते हैं, जो रियल लाइव उनको जब देखते हैं, तो वो सारी चीज़ों को जब मैं बड़े पर्दे पर फिर सोचता हूँ तो मेरा दिल खुश हो गया यार, कि भाई ये फिल्म बहुत ही कमाल का होगा और बहुत ही इमोशनली कुछ होने वाला है यार। वो ये एक और मजेदार बात करें जो मुझे मतलब हंसी भी आया, अच्छा भी लगा। वो कह रहे थे कि देखो बाहुबली मूवी, कल्की मूवी, सलार मूवी, ये सारी फिल्में मास मूवी हैं, एक्शन करके उत्साह दिखा करके डार्लिंग प्रभास की फिल्में जो हैं वो 1000 करोड़ तक का कलेक्शन करे हैं, इतना जबरदस्त कलेक्शन करे हैं। ये पहली ऐसी मूवी होगी जो कि इमोशनली, मतलब एक हम्बल इंसान, एक 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 शर्मिला इंसान 1000 करोड़ तक का कलेक्शन करने की वादा करता है।
सोचो, ओके उनके कहने की बात को सोचो जरा। ओके वो ऐसा कह रहे थे कि मतलब एक मास हीरो मार धार करके गुंडों को पीट करके 1,000 करोड़ वोट पहले लेकर के आ रहा था, लेकिन इस बार एक शर्मिला इंसान लेकर के आएगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। ओके तो भाई दिल खुश हो गया सच में, और फौजी मूवी को लेकर के मेरा बिलीफ और भी ज्यादा बढ़ गया। लिटरली एक ऐसा कैरेक्टर, इमोशनल, ये सब कुछ, देशभक्ति, प्रेम कहानी, ओके ऊपर से थोड़ा थोड़ा बहुत मास एंगल, जो कि मजबूरी में आकर के मारेगा उसको देख करके विलन नहीं डर रहे हैं, बल्कि वो खुद मतलब मजबूरी में आकर के मारेगा, दुख में आकर के मारेगा, ऐसा वाला किरदार, एक परफेक्ट इमोशनल, देशभक्ति से भरा, प्रेम कहानी से भरा ये फिल्म होने वाली है। ओके तो अच्छा लगेगा यार, सच में अच्छा लगेगा, मेरा तो दिल खुश हो गया ये सुन करके। ओके फौजी मूवी की अपडेट की अगर मैं बात करूं, तो फौजी मूवी का शूटिंग जो है अभी चल रही है विदाउट डार्लिंग प्रवास। डार्लिंग प्रवास जो है वो राजा साहब मूवी को पूरा का पूरा डेट्स दिए हैं, राजा साहब मूवी को कंप्लीट कर देंगे, और 30% फिल्म का है उनका, बहुत ही ज्यादा कम है, कुछ सॉन्ग वगैरह है, टॉकी पार्ट्स बहुत ही कम है राजा साहब मूवी का, वो अक्टूबर के एंड तक कंप्लीट कर देंगे। और फौजी मूवी का शूटिंग जो है वह तमिलनाडु पे अभी चलेगा, मतलब चल रहा है भी बता रहे हैं। ओके तो विदाउट प्रवास, विदाउट विदाउट लेट एक्टर, ओके बाकी सारे लोगों को लेकर के अनुराग बपूरी शूटिंग वगैरह कर रहे हैं, और अक्टूबर के एंड से, अक्टूबर के आखिर से फौजी मूवी के शूटिंग में डार्लिंग प्रभास फिर जुड़ जाएंगे। ओके कुछ इस तरह का अपडेट है, देखते हैं क्या हो रहा है, पर ये सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। लिटरली यार बहुत मजा आएगा, देख लेना। एक इमोशनल, एक शर्मिला बंदा, आप जरा सोचो, एक फौजी है, दिलेर है, लेकिन दिखावा नहीं कर रहा है कि मैं ताकतवर हूं। उसकी ताकत जो है, जब ऐसा कोई सिचुएशन आएगा तभी पता चलेगा कि वो कितना ताकतवर है। ओके खैर इस बात को सुन करके फौजी मूवी के लिए आपकी एक्साइटमेंट लेवल कहां तक पहुंची, कैसा लगा, कैसा हो सकता है ये फिल्म, जरूर कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।